नमस्ते। आज मैम आपके सामने लोकतंत्र विषय पर एक प्रपत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है खिड़की खुलने के बाद मैम लोकतंत्र का प्रतिमान। मेरा नाम है मरियम्मा। मैम श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। लोकतंत्र दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है। अधिक देशों में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में इसे अपनाया गया है। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में ऐसी कोई अन्य समान व्यवस्था इस दुनिया में नहीं है। इस व्यवस्था का पालन सही रूप से भारत में हो रहा है या नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अधिकारी भारतीय लोकतंत्र पारदर्शी है, सभी लोगों को समान अधिकार मिल रहा है, यह सब केवल शब्दों में सीमित रह गया है। भारतीय जनता आजकल बहुत अधिक कठिनाइयों से गुजर रही है। अधिकारी वर्ग का सत्ता मोह दानलिप्सा आदि इसके प्रमुख कारण है। वे जनसेवा के बदले अपने स्वार्थता को प्रमुखता दे रहे हैं। यही 21वीं सदी के लोकतंत्र का श्राप है। सभी जगहों में दंगे फसाद, बहस, मारपीट आदि नजर आ रहे हैं। आतंकवादी हरकतें भी बढ़ रही है। इसके बावजूद भी राजनीतिक व्यवस्था की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है। भारतीय लोकतंत्र की ओर इशारा करता है। यहाँ जो अधिकारी लोग या मंत्रीगण है, वे अपनी बातों पर उकड़ों बैठकर आपस में लड़ रहे हैं। सच्चाई को जांचने की जरा सी इच्छा भी शासकों के अंदर नहीं है। चाहे असली बात जो भी हो, अपनी जीत होनी चाहिए। यह चिंता किसी भी रास्ते को अपनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा उन्हें देती है। ऐसे हालत में देश में शांति की स्थापना करना कठिन है। राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट एवं न्यायरहित बन गई है। सरकारी दफ्तरों में लोग समाधान ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं, तब हल के बदले नई नई समस्याएं पैदा होती है। गरीब तथा आम आदमी की स्थिति सबसे कष्टदायक है। समस्याएं सुलझाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना पड़ता है। जिनके हाथ में धन है, वे बड़े अपराधों से भी बाहर आ जाते हैं। बाकी लोग स्वयं अपराधी बन जाते हैं। इस पर संकेत करते हुए नीलेश जी अपनी कविता दो हिस्से में कहती है, झूठ भरे भी 400 BC के, जाने कितने मामले दर्ज है मेरे ऊपर। इस भ्रष्ट और अंधे तंत्र से लड़ने का कारगर हथियार नहीं मेरे पास। आगे की पंक्तियों में कवियत्री तीर्थाटन के बीच गुमशुदा हो गई बूटी औरत से पुलिस वालों की क्रूर हरकतों के बारे में कहती है। बुढ़ापे में चैन से बैठे नहीं बन पग्र में, जाओ और करो परिक्रमा, कहां की रहने वाली हो? अशोक नगर के। घर में और कोई नहीं है क्या? है नाती पोता सब है भैया, फिर तुम अकेली क्यों माती हो? लड़कों को भेजना चाहिए दाना रिपोर्ट लिखाने, वे नहीं मार है ना वे ढूंढ रहे। कहते हैं तुम घुमा के आए हो सो तुम्हें ढूंढो। मीडिया लोकतंत्र का 14 स्तंभ माना जाता है। डिजिटल माध्यमों में अधिकारी वर्ग जिन योजनाओं के बारे में बताते हैं, वह सच नहीं है। सब कुछ केवल दिखावा ही है। चुनाव के वक्त वे नई नई योजनाओं के बारे में बोलना शुरू करते हैं। बेचारी जनता उन पर विश्वास करती है। अगले चुनाव में भी यही बात दोहराई जाती है। तब जनता सोचती है कि इस बार सब कुछ जरूर मिल जाएगा। जनता को बेवकूफ बनाकर नेतागण सुख सुविधाओं में जी रहे हैं। जो योजनाएं बनाते हैं, उसके पैसे से भी सुगमय जीवन बिताते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो मीडिया के सामने अफसोस प्रकट करने में अधिकारी लोग उत्सुक हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। मीडिया के सामने जो रूप दिखाया जाता है, वह सिर्फ कुछ पल के लिए है। इस पर व्यंग्यवाण छेड़ते हुए नीलेश जी लोकतंत्र का तानाशाह नामक कविता में कहते हैं, तानाशाह दृश्य नहीं बदलना चाहता, को दृश्य में बदला हुआ दिखना चाहता है। वह कैमरे की आंख से आंख को बदलना चाहता है। ऐसा ना होने पर अपनी विकृति को कैमरे पर थोप देना चाहता है तानाशाह। फिलहाल कुछ बातों हाथ से छूट गई तो उसे छिपाने के लिए नई बात रचने में देर नहीं लगता है। सब कुछ उनके अधीन में है, चाहे लोग हो या मीडिया।
उनके इशारे के अनुसार लोग जी रहे हैं। नेतागण किसी से नहीं डरते हैं, अधिकार तो उनके हाथों में है। इस पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए वे कहती है, डरने की कोई बात नहीं, डर कहाँ नहीं है, कहीं नहीं है डर। कहता है तानाशाह कि ऑडियो में उठती है अचानक हमें, तनती है उंगली तानाशाह की, सारे रंग अंधेरे और उजाले सब कुछ तानाशाह की गिरफ्त में है। कैमरे को गुलाम बनने की प्रक्रिया में है लोकतंत्र का तानाशाह। भारत में शहरीकरण व्यापक रूप से हो रहा है। आदिवासी लोगों से उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हो रही है। वे जंगल से मिलजुल कर जीने वाले हैं। जंगल का विनाश उनके शांतिपूर्ण जीवन में रुकावट पैदा करता है। अधिकारी लोग विकास के नाम पर व्यवसायी लोगों से हाथ मिलाकर जंगलों को कारखाने तथा बड़े बड़े कंपनियों में तब्दील कर देते हैं। वहां रहने वाले लोगों को नई जमीन दी जाती है, यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर उन्होंने अपनी कविता विरोध में बारिश में आक्रोश व्यक्त किया है। यह जंगल तुम लोगों का नहीं है, सरकार का है यह जंगल। जब जंगल हमारा नहीं है तो काहे महुआ का पेड़ का मुआवजा बांट रही है मुआ सरकार। बस एक बारिश हो जाए तो पेड़ों पर छाई धूल हट जाए। जब जंगल आदिवासी लोगों से छीन लेते हैं तब नेतागण यह बात नहीं सोचते हैं कि जंगल के बिना इस धरती में जीना मुश्किल है। जंगल का नाश सिर्फ आदिवासी लोगों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव राशि का नाश है। आदिवासी लोग ही जंगल के संरक्षक है। व्यापारी लोगों के जाल में फंसकर अधिकारी वर्ग जंगल का नाश ही नहीं बचे हुए जंगलों को छोटा बनाया जा रहा है। जंगल का नाश तो समाचार बन जाता है और हर कहीं विरोध होता है। जब जंगल अधिकार की आड़ में छोटा बनाया जाता है तब उसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती है। धीरे धीरे जंगल लुप्त हो जाता है। इस पर सवाल उठाते हुए जंगल और पेड़ नामक कविता में कहती है, घर के बाहर सड़क, सड़क के पार पेड़, पेड़ के उस पार जंगल, जंगल अब दूर नहीं है नगर के बीचों बीच। जंगल खुद एक व्यापार है, जंगल शहर में है, शहर व्यापार में है। भारत विकास के दौर में है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, संसार में देश की ख्याति फैल रही है, फिर भी यहाँ की गरीबी वैसे के तैसे रह गई है। एक वक्त के भोजन के लिए लोग तरस रहे हैं। अधिकारी लोग कहते हैं कि भारत में गरीब लोग नहीं है, भूखे कोई नहीं सोता है और रेशन सबको मिल रहा है। यह सब मतदान के वक्त की तमाशा है। आंकोल कर देखने पर असली लोकतंत्र का पता लग जाएगा। भूख से होने वाली मृत्यु आत्महत्या में बदल जाती है। जिसके पास अधिकार है वह कुछ भी कर सकता है। इस पर व्यंग्य करते हुए नीलेश जी चक्र 11 कविताएं में कहती है, 500 के नोट पर छपी पोपले मुंह वाली तस्वीर भी कई दिन से भूखी है, वो भी शिकार है तंत्र के चक्र में भूख की। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र के असली अर्थ से फिसल गया है। लोकतंत्र अधिकारी वर्ग का तंत्र बन गया है। वे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्था में बदलाव लाते हैं। इसके विरुद्ध शब्द उड़ाने के डर से लोग सब कुछ झेल कर जी रहे हैं। इन्हीं बातों को खुलकर कहने का प्रयास नीलेश जी ने अपनी कविताओं में अवश्य किया है। इतना कहकर मैं अपनी प्रपत्र समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।